मैंने टोटल मिला के चार बातें करनी है आपके साथ में, जिसमें पहली बात मैंने करनी है द पावर ऑफ ट्रेनिंग, दूसरी बात मैंने आपसे करनी है द पावर ऑफ वैल्यूज, तीसरी बात मैंने करनी है इंडिया इज द बेस्ट टाइम टू बी टुडे, एंड लास्टली इफ यू डेलीगेट एंड इंस्टीट्यूशनलाइज दैट इज वॉट इज गोइंग टू मेक यू रियली रियली बिग. तो चार चीज़ें मैंने आपको हिंट्स देने हैं, एंड एज टाइम गोज ऑन आई थिंक जब भी कभी आपको क्वेश्चन आंसर का मौका मिले आई एम ऑलवेज अवेलेबल. एक सिंपल एग्जाम्पल है, एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, मतलब आप हैं, मैं हूँ, मेरे पिताजी, आपके पिताजी, हमारे बच्चे, उनके बच्चे, उन सबकी लाइफ में एक बड़ा कॉमन सा एक्सपीरियंस है. और वो एक्सपीरियंस ये है कि जब आप अपने पहले बच्चे को गोद में उठाते हैं या बच्चे को पहली बार गोद में उठाते हैं, तो उस वक्त हर बाप की ऐसी तमन्ना होती है कि मैंने इसको ऐसा सिंह, ऐसा शेर बनाना है कि दहाड़े का अहमदाबाद आवाज़ आएगी दिल्ली जाके. एम आई राइट और रॉन्ग? हर आदमी उसके लिए एक मुकम्मल, एक बड़ी ऊंची चीज़ें, ऊंचे ख्वाब देखता है. एम आई राइट और रॉन्ग? वो हर आदमी सोचता है, मेरे पिताजी ने भी सोचा था, उनके पिताजी ने भी, मैंने भी, और मेरे बच्चे भी सोचने वाले हैं. ये हर एवरी मैटरनिटी वार्ड का ये कॉमन कहानी है. नाउ लेट मी टेल यू होता क्या, विद इन अ ईयर और उससे भी कम बच्चा चलना शुरू होता है तो माँ बाप उसको गिरने से बचाना शुरू कर देते हैं, गिर ना जाए, उसको चोट ना लग जाए, उसको ऐसा ना हो जाए, उसको वैसा, तू ये मत कर, तू वो मत कर. एम आई राइट और रॉन्ग? नतीजा ये होता है कि हम उसको 20-22 साल तक गोद में बिठा के हाथ फेरते रहते हैं, शैम्पू करते हैं, बिस्कुट खिलाते हैं, लास्ट में हैरान होते हैं कि जिसको टाइगर बनाना था पोमेरियन बन गया. सिर्फ ATM से पैसे निकालने के लिए वो खुद जाना चाहता है, बाकी हर एक चीज़ के लिए या पापा होने चाहिए या कोई बड़ा भाई या कोई तो होना चाहिए. एक सिर्फ एक ही काम है कि ATM में जाना है, पैसा निकालना है, दैट्स इट. उसके लिए उसको खुद अपनी वो लगती है कि यस आई कैन डू दिस, स्पेंड करना आई कैन डू, कमाना वो एक अलग गेम हो जाता है. एम आई राइट? सो पहली चीज़ अपने दिमाग में ये रखनी चाहिए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टफ लव. टफ लव, बच्चे को गिरने देना चाहिए. शेरनी बच्चे को कैसे पालती है उससे सीखना चाहिए. वो उसको थोड़े टाइम तक खिलाती है, उसके बाद उसको धीरे धीरे करती है, अभी तो आ गया, यू डू समथिंग. अपने अपने बिजनेस में अपने बच्चों को लाते हैं, शेरनी की तरह सोचिए. अपने बिजनेस में हमको अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा आगे लाना चाहिए, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं. शेरनी शिकार करने जाती है, अपने कब्स को जितना वो कर सकते हैं उनको करने देती है, और एक स्टेज पे आके बोलती है अभी तू खुद कर. और एक अजीब बात है विच इज़ अ फैक्ट, आपको अगर नहीं पता मैं आपको बता दूँ, जिस शेरनी को ऐसा महसूस हो कि ये वाला मेरा बच्चा अपने आप को बचा नहीं सकता और हो सकता है किसी दिन इसे कुत्ते खा जाएंगे, तो शेरनी खुद उसको खा जाती है. ये आपको शायद नहीं पता हो तो मैं बताया था. दे वुड लाइक, शेरनी ये चाहती है कि जो मेरी नेक्स्ट जनरेशन है वो मेरे से ज़्यादा मुकम्मल निकले, वो मेरे से कमज़ोर ना निकले. अगर मेरे से ज़्यादा मुकम्मल बनना है तो उसको वो तकलीफ़ें देनी पड़ेंगी. एक बड़ के पेड़ के नीचे दूसरा बड़ का पेड़ नहीं होता, वो छोटा सा सीड होता है, लेकिन उसको कहीं धूप में गिरना पड़ता है, छाया में, उसको धूप, पानी, हवा, हर एक चीज़ को झेलना पड़ता है, तब जाके वो बड़ का पेड़ दोबारा बनता है. किसी बड़ के पेड़ के नीचे दूसरा बड़ का पेड़ नहीं बनता है. इस चीज़ को SMEs को खास करके पहचानना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हम लोग अपनी लाइफ में कोई एक चीज़ को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे लेते हैं कि ये तो मेरे को करना ही पड़ेगा. मेरे बिजनेस में सब कुछ लॉजिस्टिक्स है तो लॉजिस्टिक्स तो मैं खुद ही करता हूँ. मेरे बिजनेस में सब कुछ ये है तो वो तो मैं ही करता हूँ. आई मीन दैट इज़ अ ट्रैप. जिस दिन आप उस ट्रैप में आ गए उस दिन आप समझ लीजिए कि आपने अपने लिए लिमिट लगा लिया कि मैंने इसके ऊपर नहीं जाना. सो वी हैव टू गेट आउट ऑफ द ट्रैप. अपने बिजनेस को भी बढ़ की तरफ बढ़ने दो, अपने बच्चों को भी बढ़ की तरफ बढ़ने दो, और खुद भी. आई मीन वाई शुड पीपल नॉट एन्जॉय? आई मीन अगर आप थोड़ा सा डेलीगेट करना शुरू करें, थोड़ा सा उसको सिस्टम्स को बनाना चाहें, एज समबडी सेड, संदीप ने भी बोला कि टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, काफ़ी टाइम आपका रिलीज होने वाला है उसके अंदर से. सेकंड, नाउ आई कम टू द वैल्यूज पार्ट. वैल्यूज, यू सी आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहां पर जेन्युइनली हमारी फीस को लेके एक मसला था. और मैं 2002 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया और 2004 में 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया. कोई भी ऐसा फोरम होता है तो ओनली क्वेश्चन पीपल आस्क मी आफ्टर दिस इज कि दो साल में आपने 100 करोड़ कैसे किया. वो बार बार यही पूछते हैं, दो साल में 100 करोड़ कैसे किया, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि इसने जो मैंने को मंत्र दे देना है मैंने वही कर लेना, मेरा भी 100 करोड़ हो जाना है. ऐसा होता नहीं है. जो मैंने किया उसके पीछे, वो दो साल में नहीं था, उसके पीछे 16 साल का तप था, 16 साल काम किया हुआ था, उसके बाद दो साल में हमने किया और उन 16 साल में अपनी एक रेपुटेशन कमाई हुई थी. वी हैड कंपनीज लाइक रैनबैक्सी, ऑर्किड, औरबिंदो. ये कंपनीज अपने कस्टमर को डायरेक्टली बेचने के बजाय हमारे थ्रू बेचती थी, इसलिए हम लोग 100 करोड़ पे पहुंचे. ना उनके कस्टमर को उनको भरोसा है, ना उनको अपने कस्टमर पर भरोसा है, लेकिन दोनों को हम पे भरोसा था.
इसलिए हमने एज ट्रेडर किया ना, हमने तो 100 करोड़, तो हमने उसके अंदर से अगर 2 करोड़ रुपया कमीशन कमाई है तो वो इस चीज़ की कमाई है कि मैन्युफैक्चरर को कस्टमर के ऊपर और कस्टमर को मैन्युफैक्चरर के ऊपर भरोसा कम है और उसको हमारे ऊपर भरोसा ज़्यादा है। ये 16 साल में हमने भरोसा कमाया था, इस चीज़ की कमाई थी। सो वन ऑफ द थिंग्स विच आई वुड से इज़, कोई भी आदमी बिजनेस करता है तो उसमें वैल्यूज़ वाली बात तो बड़ी पक्की होनी चाहिए। एक हमारा सप्लायर था ऑर्किड केमिकल्स इन चेन्नई, उसकी आपको स्टोरी बताता हूँ। हमने ऑर्डर बुक कर लिया, इट वॉज अबाउट 1.5 करोड़ ऑर्डर फॉर दुबई, और हमने उनको ऑर्डर दे दिया, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज कम्प्लीट। लास्ट मोमेंट उनका जो मार्केटिंग मैनेजर था उसका फ़ोन आया, सॉरी मिस्टर शाद, मैं ये आपको दे नहीं सकता, हमारी पॉलिसी है कि हम मर्चेंट ट्रेडर्स को क्लीन क्रेडिट देते नहीं, मर्चेंट ट्रेडर्स को हम लोग ओपन क्रेडिट नहीं देते, या तो आप LC दो या तो आप पैसा दो। मैंने, मेरे पास कहाँ से आया? तो उसने कहा ये तो ऑर्डर नहीं होगा ना, हम ऑर्डर ले चुके हैं, तो व्हाट डू वी डू नाउ, वी कैन नॉट सिट। उस टाइम पे बाय चांस ऐसा था कि 2001-2002 का अगर आप लोगों का अंदाजा हो तो उस टाइम पे डेक्कन एयरवेज चल रही थी, 500-500 रुपये में टिकटें मिलती थी, अगर आप टाइम पे ले लो तो 5,000 रुपये में मेरे को टिकट मिल गई फ्रॉम हियर टू बॉम्बे टू हैदराबाद टू चेन्नई टू हैदराबाद टू बॉम्बे टू अहमदाबाद, ये सारी टिकट 5,000 में मिल गई। मैंने फटाफट बुक की, अपना लड़का, वी हैड अ वेयर हाउस इन कंडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहाँ से मैंने लड़के को बोला, मैंने कहा अपना पूरा का पूरा बैंक स्टेटमेंट 100% बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करके लिया, तो वो बड़ा 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 प्रिंट किया उसने, ही ब्रॉट दैट फुल, और वो मैंने अपना सूटकेस में भरा एंड आई वेंट देयर। वहाँ जाके मैंने आई वांट टू मीट द CEO, तो बाय चांस वहाँ जाने के बाद मेरे को पता लगा कि CEO कौन है, तो CEO वाज अ गर्ल जिसको हम बड़े पुराने जानते थे, शी वाज द सेक्रेटरी ऑफ CC रेड्डी हु वाज द चेयरमैन ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक्स, तो शी बिकेम द CEO। तो जब मैंने अपना कार्ड भेजा तो कहती मिस्टर शाह आप यहाँ पे किस लिए आए हो, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे आप लोगों ने हमारे से ऑर्डर बुक किया और लास्ट मोमेंट आप बैकआउट कर गए हो, तो व्हाट डू आई डू, कहती प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा प्रॉब्लम ये है, मैंने अपना वो पूरा बैंक स्टेटमेंट निकाला उनके टेबल पर रख दिया, कहती ये क्या है। मैंने कहा प्रॉब्लम सारी यही है, कहती क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा पूरा स्टेटमेंट देखो, मेरे को किसी भी कस्टमर ने अगर पैसा भेजा है और उसमें से 98 रुपीज़ 100 में से अगर मेरे मैन्युफैक्चरर को जाने थे तो क्या वो पैसा मेरे अकाउंट में 24 घंटे रुका है, आई वॉन्ट यू टू चेक इट। बस अगर आप ये दिखा दे तो एक भी बार ऐसी गलती तो आप मेरे को ना दो ओपन क्रेडिट, अदरवाइज आई डिजर्व योर क्रेडिट। यू सी शी गॉट दैट पॉइंट। उसने एक इंटर ऑफिस मेमो लिखा, नोटिस बोर्ड पे लगाया, आरा एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड अनलिमिटेड क्रेडिट माय पर्सनल गारंटी, ऐसा उस नोटिस बोर्ड पे डाला। मतलब वो 50 लाख की डील हमारी इसलिए हुई बिकॉज आई हैड समथिंग टू शो कि मेरा पूरा बैंक स्टेटमेंट तेरे सामने है, मैंने अपना हक का केवल 2 रुपये रखा है, 98 रुपीज़ जिसके थे उसको पहुँचाए हैं और विद इन 24 आवर्स पहुँचाए हैं। इस कारण से वो हमारी ग्रोथ होती थी। ये चीज़ें अपने बिजनेस में इंस्टीट्यूशनलाइज करना कि हमारा अकाउंटेंट जो है उसको मालूम है कि सर ने ऐसा बोल दिया है कि भैया जिस दिन पेमेंट आनी है तो मैन्युफैक्चरर को जानी है तो वो जानी ही है, अकाउंटेंट को पता होना चाहिए, सप्लायर जो अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो आदमी काम कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि उन्होंने कमिट किया हुआ 28 तारीख की डिलीवरी है तो 28 से पहले डिलीवरी होनी है। तो दीज आर वैल्यूज विच आर एब्सोल्युटली वे शाश्वत हैं, भगवान राम के टाइम पर भी यही चलती थी और जब ये सृष्टि खत्म होगी तब तक ये वैल्यूज चलने वाली हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। जितने लोगों को ऐसा लगता है कि आज जिसकी आपने, आजकल तो जमाना ही इसका है, चोर उचक्कों का जमाना है, जिसने किसी की जेब में काट लिया वही आगे जा रहा है, हकीकत ये है कि ये अपने लिए बहाने ढूंढ रहे हैं हम लोग, ऐसा है नहीं है। अब कोई सक्सेसफुल बिजनेस देख लो, आज आई वर्क फॉर गौतम अदानी एंड फॉर अटमोस्ट रिस्पेक्ट लेट मी टेल यू, आई वर्क फॉर गौतम अदानी, मेरे दिल में इतनी इज्जत है उस इंसान के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। एंड व्हेन आई जॉइन दैट कंपनी उस वक्त मेरे को एहसास हुआ कि जब मैं 27 साल का था तो मैं कंपनी की गाड़ी में चलता था और मैं खुद 32 साल की उम्र में गौतम अदानी के पास में आई वॉज विद माई बायोडाटा के मेरे को नौकरी दे दो। जिस टाइम 27 साल के ही इज़ 15 डेज यंगर टू मी, गौतम अदानी इज 15 डेज यंगर टू मी, मैं 9th August 1962, ही इज 24th August 1962, मैं MBA ऑल इंडिया टॉपर और वो SY BCom और मेरा बायोडाटा उसके पास पड़ा है नौकरी के लिए, मेरे को नौकरी दे दो। सो आई हैव टू आस्क माई सेल्फ कि भाई मेरे में ऐसी क्या कमी थी, देर समथिंग रॉन्ग दैट आई वॉज डूइंग। और मेरे इर्द गिर्द के लोग जो मेरे पड़ोसी थे, अरे कहाँ ज्वाइन कर रहा है, तेरे को पता नहीं है कैसी कंपनी है, वो के करते हैं वो करते हैं, मैंने कहा यार वो बातें सारी छोड़ दो, वो सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास भी थी, वो सारी अपॉर्चुनिटी उन सबके पास थी जो गालियाँ देते हैं, आप लोगों ने नहीं किया, अब उसको गालियाँ मत दो। यू हैव नॉट डन थिंग्स विच ही हैज डन, यू हैव नॉट टेकन द रिस्क दैट ही हैज टेकन, यू हैव नॉट टेकन द राइट पीपल दैट ही हैज डन, यू हैव नॉट सफर्ड द लॉसेज दैट ही सफर्ड, यू हैव नॉट वर्कड हार्ड एज मच एज ही वर्कड, सो डोंट कंप्लेन। अगर है हिम्मत तो उसको आगे जाके दिखाओ, उसकी बड़े बन के दिखाओ, ये थोड़ा है कि आप रोते चले जाओ। गौतम अदानी के लिए किसी ने बोला कि वो तेरे को पता नहीं है, उनको तो किसी ने ऐसा 200 करोड़ रुपया दिया था उसके कारण सब बना है, तेरे को पता नहीं इनके पीछे कौन है। मैंने कहा 200 करोड़ दिया होगा, कैश दिया होगा, बिना रिसीट के दिया होगा। मैंने कहा अपने आप से पूछो आपको क्यों नहीं दिया
वो आपको भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको ही क्यों दिया? Why 200 crores somebody trusted on him absolutely cash without receipt, and why nobody is giving a bloody 5 lakh rupees loan even with your bank? अपने आप से पूछो, इसमें कोई ऐसी बात थोड़ा कि इसके लिए हमको कहीं पर रॉकेट साइंस चाहिए. दीज आर द थिंग्स विच एक्चुअली मैटर. इनका कोई इलाज ही नहीं है. अगर आपने भरोसा जताया है, अगर मेरे सप्लायर को मेरे ऊपर भरोसा है, तो कभी मेरी पेमेंट लेट है तो गाली नहीं देगा. लेकिन अगर मेरे सप्लायर को मेरे पर भरोसा नहीं है, मेरी कोई भी चीज़ लेट हो जाए, तो फिर वो गाली गलौज शुरू हो जानी है. एम आई राइट और रॉन्ग? तो बेसिक चीज़ें जो हैं वो तो रहेंगे ही, भगवान राम के टाइम से, और जब तक प्रलय आती है तब तक ये चीज़ें रहनी ही रहनी है. इनको कोई इलाज नहीं कर सकता. एंड लास्टली आई कम टू यू सी, इंडिया में एक ऐसा कहानी चलती थी, और आज भी देखो तो बहुत सारे लोग ऐसे यूट्यूब के ऊपर आपको सुनने मिलेगा, कि 1700-1750 के आसपास हिंदुस्तान का ट्रेड वर्ल्ड में 27% था, जो कि घट के अब 2% रह गया. तो विच मीन्स वी एज अ इकोनॉमी हैज श्रंक. बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज कि बिजनेस ग्लोबली 27% ऑफ द वर्ल्ड बिजनेस वॉज कंट्रोल्ड बाई इंडियंस, विच इज नाउ लेस देन 2%. दैट इज द मेन नरेटिव. नाउ लेट मी टेल यू, मैं इस चीज़ को नहीं मानता. मैं इसलिए नहीं मानता कि आज भी वर्ल्ड में, मेरा मानना है, मोर देन 30% बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कंट्रोल्ड बाई इंडियंस. वो ठीक है, हमारे GDP में नहीं आ रहा है, दैट्स राइट, बट कंट्रोल करने वाले बर्मा में, थाईलैंड में, US में, कनाडा में, हॉलैंड में, कहीं चले जाओ आप, आपको वहां पर बिजनेस कंट्रोलिंग जो कम्युनिटीज हैं उसके अंदर इंडियंस का बहुत बड़ा रोल मिलेगा. तो इट मे बी दैट दे आर नॉट द सब्जेक्ट्स ऑफ द इंडियन रूलर्स राइट नाउ, बट दे आर इंडियंस एंड ऑफ द डे. थोड़ा सा लॉ चेंज हो गया, वीजा परमिट्स लग गए हैं. वो सारी चीज़ें अगर उस वक्त पुराने जमाने में भी होती, जिस वक्त वीजा परमिट्स अगर उस टाइम पे भी होते, तो शायद ये हमारा 27 के बजाय 2% ही होता. आज भी मेरा मानना है कि इंडियंस के हाथ में ही 27% ऑफ वर्ल्ड बिजनेस है. इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है. एंड फाइनली आई एम टेलिंग यू, इंडिया से जो लोग बाहर गए हैं, दे हैव डन एक्सेप्शनली वेल, देयर इज नो डाउट अबाउट. इंडिया से जो आदमी बाहर गया है, वो यहाँ से बाहर जाते हुए पीछे क्या छोड़ के गया? वो पीछे छोड़ के गया है लाइसेंस राज, पीछे छोड़ के गया है परमिट राज. वहाँ जाके उसको पूरी आज़ादी मिली है ग्रो करने की, एंड ही हैज ग्रोन. पीपल हैव क्रिएटेड मोटर्स, पीपल हैव क्रिएटेड इंडस्ट्रीज, पीपल हैव क्रिएटेड सर्विस ओरिएंटेड थिंग्स, पीपल हैव इवन, जो सॉफ्टवेयर वाले लोग हैं, इंडियन लोग, उन्होंने सिलिकॉन वैली में जाके अपना धाक जमाई है. एम आई राइट और रॉन्ग? इसका मतलब कि ये जो हमारे यहाँ से जो वो चीज़ छोड़ के गए थे, दैट वॉज द इंस्पेक्टर राज, द कंट्रोल्स, ये वो. आदमी बिजनेस करना चाहता है, 40 लोग उसके ऊपर आ जाते हैं. अच्छा, तूने 200 रुपये कमा लिए, अब 800 रुपये तो हमको दे दे. एम आई राइट और रॉन्ग? आपने जेब में 200 रुपये कमा लिए हैं, उसको गिद्ध की तरह ये इंस्पेक्टर आगे ऊपर बैठ जाते थे. कभी कोई लेबर इंस्पेक्टर आ गया, तो कभी PF वाला आ गया, तो कभी ये आ गया. बिलीव मी, आने वाला टाइम इज द बेस्ट टाइम टू बी इन इंडिया. बिलीव मी, जो लोग ईमानदारी से टैक्स नहीं दे रहे थे, मैं अगेन एंड अगेन ऑन ऑल फोरम्स SMB में बार बार बोल रहा हूँ, टैक्स देना शुरू करो, इट्स अ गुड थिंग. आने वाले टाइम में टैक्स का रेट कम होगा ही होगा, इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता. इंडिया में टैक्स रेट कम होने वाला है. दूसरी बात, जो ये ब्लैक इकॉनमी है, वो आज नहीं तो कल आप देखोगे वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी. विच मीन्स जितनी कंप्लायंस बढ़ेगी, एंड कंप्लायंस के लिए आई थिंक संदीपन ने वेरी राइटली टेकन अप दैट, कि कंप्लायंस जो है ये एक बहुत बड़ा इशू है. द मोर यू आर कंप्लायंट, द मोर यू आर पेइंग टैक्सेस, द मोर यू आर एलिजिबल फॉर दैट मच लोन्स, द मोर यू कैन ग्रो, द मोर योर एम्प्लॉयज ट्रस्ट यू, द मोर योर सप्लायर ट्रस्ट यू, द मोर योर कस्टमर ट्रस्ट यू. ये सारे लोग आपको ट्रस्ट करते हैं जितनी आपकी कंप्लायंस अच्छी है. तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और ये बिल्कुल कोई डरने की जरूरत नहीं है. कभी कभी लोगों को लगता है मेरे बिजनेस का सीक्रेट कोई ले जाएगा. ऐसा लोग कहते हैं मेरे बिजनेस का सीक्रेट कोई ले जाएगा. अरे यार, तुम्हारे बिजनेस का सीक्रेट अपने बच्चे को तो तुम पढ़ा नहीं पाए, अभी कोई दूसरा क्या ले जाएगा. अगर उसमें इतना दम होता तो 15,000 की नौकरी करता यार तुम्हारे यहाँ. उसमें दम होता तो वो कुछ ना करता अपना. जो एम्प्लॉई है उसका दिमाग ऐसे चलता नहीं है कि वो आपका बिजनेस सीक्रेट ले ले. बहुत रेयर होते हैं, वेरी रेयर पीपल एज एम्प्लॉयज, इनके दिमाग में ये चलता है कि मेरे को कुछ पता लगे और मैं कर लूँ. डोंट बी स्केयर्ड, बिजनेस सीक्रेट्स कुछ रहे नहीं है. आज आप एटम बम बनाना चाहो, कोई सीक्रेट नहीं है. आप नेट पर ढूंढो, आपको उसकी रेसिपी मिलती है. तो देयर इज नो बिजनेस सीक्रेट टुडे. तो उस चीज़ के बारे में चिंता करना और उस चीज़ के बारे में अपने आप को गला घोंट के रखना कोई जरूरत नहीं है. खुल के जियो, मतलब ये मैं मानता हूँ. दूसरी बात, टैक्स बचाने के लिए लोग किस लिए टैक्स बचाते थे? पहले कैश इकट्ठा किस लिए करते थे? मकान खरीदने के लिए, बीवी की ज्वेलरी खरीदने के लिए, गाड़ी. मतलब मैं अपनी पर्सनल लाइफ में मैंने देखा है, जो पहला 1 करोड़ रुपया था, इट गेव मी सो मच सेटिस्फैक्शन कि उसके बाद पैसे की वैल्यू खत्म हो गई. आप 5 करोड़ का अपना मकान ले लो, 10 करोड़ का ले लो, 2 करोड़ की गाड़ियाँ ले लो, 5 करोड़ के अपनी वाइफ के लिए डायमंड्स ले लो, 25 करोड़ के बाद करोगे क्या? एंड व्हाट विल यू डू आफ्टर 25 करोड़?
एंड ऑफ द डे वो जो आप चार फुलके खाते हो वो दो रह जाने तो सब कुछ खत्म हो जाना है. तो इट इज बेटर के शान से खुल के जीना, उसकी एक उसका एक अपना नशा है, वो नशे को छोड़ के और चूहे की जिंदगी बिताना, छुपे छुपे रहना, ये उसको ये ना पता लगे, उसको ये ना पता लगे, खुल के जीने में एक अपना मजा है. एंड लास्टली लेट मी से, आई थिंक लास्ट दो मिनट्स अगर हैं तो आई लाइक टू टच ऑन दैट. एवरी बिजनेस दैट हैज ग्रोन, उसकी रूट में दो चीजें जरूर रही हैं. पहली चीज ये रही है कि इंसान ने माना है कि मुझे ये चीज करने की जरूरत है, मुझे आती नहीं है. पहली चीज, इफ यू स्टार्ट विद दैट कि आज मैं यहां हूं, मुझे यहां जाना है, एंड आई डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी और दैट स्किल्स, तो यू लर्न इट. पहली बात, इफ यू डोंट लर्न इट, इफ यू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, अगर मेरे को अपनी जिंदगी बदलनी है तो मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा. लाइफ विल नॉट चेंज, मैं वैसे का वैसे वही का वही करता रहूं और लाइफ बदल जाए, ऐसा होता नहीं है. आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, यहाँ कोई स्विच है लाइट का, मैं लाइट का स्विच ढूंढ रहा हूँ, मैंने एक स्विच ऑन किया, पता लगा लाइट ऑन नहीं हुई, व्हाट डू आई डू इमीडिएटली? डू आई उसी स्विच को मैं बार बार करता हूँ या मैं क्या करता हूँ? मैं दूसरा स्विच देखता हूँ ना, तो दूसरे में लाइट होगी. अपने बिजनेस में हम ये कर रहे हैं, एक तरीके से किया नहीं हुआ, हैव यू एवर ट्राइड कोई दूसरा तरीका? उसमें हम वही स्विच के अंदर उम्मीद करते हैं कि इसी स्विच को दबाई जाओ दबाई जाओ दबाई जाओ, वो उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. यू हैव टू चेंज योर सेल्फ इफ यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ. इट्स एज सिंपल एज दैट. एंड वॉट इज टू बी चेंज इन दैट, जितना हमको खुद को शायद नजर नहीं आता है उतना किसी इंडिपेंडेंट आदमी को नजर आ जाता है. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम राइट नाउ आई एम अ कंसल्टेंट टू जैडस हॉस्पिटल. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 68 मंथ्स जैडस हॉस्पिटल आनंद. जैडस हॉस्पिटल आनंद बना था 68 मंथ्स बैक, स्टिल दे आर हैविंग अ मंथली टर्नओवर अबाउट 2 crore रुपीज. अहमदाबाद हॉस्पिटल बना था 2 years बैक, दे हैव अ टर्नओवर ऑफ 15 crore पर मंथ. सो आई वॉज टोल्ड के भी आप ये जरा इसको देखो क्या है क्या नहीं. बिलीव मी एज एन एक्सटर्नल पर्सन, मेरे को ऐसा ग्लेयरिंगली दिखाई दे रहा था कि इनकी ये चीज़ें ठीक हो जाएं तो इनकी तो लाइफ बदलने वाली है. तो लकीली आई हैड सम कॉन्फिडेंस, मैंने कहा सर मेरे को ऐसे ऐसे इफ यू अलाउ, उन्होंने बोला हाँ बाय ऑल मीन्स डू दैट. बिलीव मी इन द मंथ ऑफ जुलाई आई ज्वाइन दम, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इन द मंथ ऑफ मे, जुलाई में उनकी टर्नओवर थी 2 crore और 68 महीने से 2 crore पर मंथ चल रही थी 68 महीने से. अगस्त में उनकी टर्नओवर हुई है 2.8 crore और सितंबर अगर हम 3.3 से कम करते हैं तो मुझे शर्म आने वाली है. इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले 68 महीने पहले अगर इन्होंने ये कर लिया होता तो बुक्स में कितना फर्क पड़ता. दैट इज समथिंग विच इज वेरी पावरफुल, कि जो चीज़ हमको, जो बंदा उसके अंदर इन्वॉल्व होता है ना, इतना इन्वॉल्व हो जाता है उसको हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है. हाँ ये ऐसे ही करना चाहिए, ये ऐसे ही करना चाहिए, मैंने देख लिया ऐसे ही होगा फाइनल. वो फाइनैलिटी जब इंसान के दिल में आनी शुरू हो जाती है, दैट इज द टाइम व्हेन यू पुट अ कैप ऑन इट. उसके आगे क्या आप जा नहीं सकते, बिकॉज द मोमेंट यू अलाउ समबडी टू हैव अ लुक. आज एक एग्जाम्पल है, मेरी अपनी ट्राउजर फटी हुई है पीछे से, मुझे दिखाई देने वाली है, वो किसी और को बताना पड़ेगा ये आपके ट्राउजर पीछे से फटी हुई है. एम आई राइट और रॉन्ग? सम पार्ट्स ऑफ बिजनेस आई कैन नॉट सी, क्योंकि मैं ऊपर बैठा हूँ, मुझे अपनी पैंट दिखाई नहीं देती है फटी हुई, वो मुझे किसी और को दिखानी पड़ेगी. सो दैट इज द पावर ऑफ हैविंग एक्सटर्नल पीपल टू लुक एट योर बिजनेस. गेट देम टू लुक एट योर बिजनेस, अंडरस्टैंड द गैप्स बिटवीन यू एंड वॉट यू वॉन्ट टू बी, देन वर्क अकॉर्डिंगली. दैट्स इट, इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है. एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट.